हेलो मेरे प्यारे भाइयों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हो भाई लोग? हाँ, तुम देख रहे होगा फिर से हम गाड़ी पे भाई विद माय न्यू टोपी। पहले तो बताओ टोपी कैसे लगी तुम्हें? टॉमी दिया जीना नहीं तो टॉमी जींस की मैंने पहन रखी है भाई साहब टोपी। ऑल थैंक्स टू माय वाइफ, इसके लिए मंगाया था लेकिन ये कह रही मुझे नहीं पहननी। तो देखो तुम्हारे भाई के सर पे आज चढ़ चुकी है, ठीक है। और मेरे हाथ में देखो केला। कहने की बातें हैं, ये मंगवाते अपने लिए, पता है मैं टोपी टोपी नहीं पहनती, मैं टोपी पहनाती हूँ। तो मैं बोलना नहीं चाहता वट, लेकिन उन्होंने खुद बोल दिया कि टोपी पहनाती है। शादी से पहले भी टोपी पहनाई थी। बहुत प्यार दूंगा तुम्हें, बहुत ख्याल रखूंगा तुम्हारा। अब देखो जिंदगी देखते उन्हें पता होगा भाई, आलू के पराठे अभी बनाए थे मैंने एक दो दिन पहले ही। दो दिन पहले आज का पूछ लो, आज पूछ लो क्या खिलाया था। केला हारा हूँ देख लो। आज भाई हम कल ट्रैवल करने वाले हैं तो पेट को थोड़ा लाइट रखना चाहिए। कल गाइस फाइनली वो दिन है जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार है और मैं तो मरा जा रहा हूँ कल के दिन के लिए। कल हमारी सिंगापुर की फ्लाइट है, बहुत ही मजा आने वाला है। तुम पेट को हेल्दी रखने के लिए भाई केले खा रहे हैं, संतरे खा रहे हैं, कभी शॉपिंग करने आए थे, बाहर का कुछ भी नहीं खा रहे, सब हेल्दी खा रहे हैं भाई। तुम जानते हो अगर आखिरी दिन पेट खराब हो गया तो अपने साथ साथ दूसरों का भी सफर खराब हो सकता है, क्योंकि वो जो पड़ाव पड़ाव की आवाज आती है यार, कैसे बातें कर रहे हो तुम। और प्लस आसमान में अगर वातावरण खराब कर दो तो तुम कहीं भाग भी नहीं सकते, टर्बुलेंस आ जाएगी, ठीक है। दूसरों का भी ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। तो अब मौसम जवाना हो रहा है, वापस अपने घर की तरफ। बैग लेने आए थे, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा। तो भाई घर जाने का प्लान बन रहा है लेकिन घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि होता है ना, हमें घर के पास वाली मार्केट में जाना है। अभी भी कुछ चीजें रह गई है जो हमें लेनी है, फोटोस्टेट। सबसे बड़ा काम मुझे यार अपने मैरिज सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट चाहिए, बताओ। जिस दिन को मैं भूलना चाहता हूँ, अच्छा, उस दिन को मुझे दोबारा याद करना पड़ेगा सर्टिफिकेट की कॉपी करा के। दो दो बार शादी करी इस बंदे ने और कह रहे दिन को भूलना चाहता हूं। एक ही लड़की से दो बार, समझ रहे हो? तो तुम मेरी व्यथा समझ सकते हो, मेरा दुख दर्द समझ सकते हो। यू कैन अंडरस्टैंड माय प्लाइट। प्लाइट है, पता है ऐसा वर्ड होता है जो कस्टमर सर्विस में यूज होता है भाई, तुम बोल दो ना, मोस्टली लोगों को पता नहीं होता। तो यू कैन अंडरस्टैंड माय प्लाइट है, मेरा दर्द समझ सकते हो। एक ही लड़की से दो बार शादी करने का क्या सितम होता है। तो भाई आज फिर से वही करने जाने वाला हूँ क्योंकि बाहर के होटल वाले मानते नहीं है बिन प्रूफ के कि तुम हस्बैंड वाइफ हो। आपकी हरकतों से मुझे लगता नहीं होगा। मैं तो सोच रहा हूँ जसिंटा को बाहर ही छोड़ाऊंगा, इनका पासपोर्ट मेरे पास, और मैं कहीं गायब हो जाऊंगा, पकड़ी जाएंगे, डिपोर्ट हो जाएंगे अलग। ये सही रहेगा ना तुम्हारे लिए? मैं घूम फिर के फिर इंडिया पहुंच जाऊंगी, तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी, देख लेना तुम फिर तुम्हारा क्या करूंगी, फिर ये देखना तुम। हमेशा शिकायत, हमेशा शिकायत, हमेशा शिकायत। ये नहीं कह रही हाँ बहुत अच्छा सोच रहे हो तुम मेरे बारे में, अच्छा सोच रहे हो मुझे दूसरी कंट्री में छोड़ के आने के बारे में सोच रहे हो। तो इसमें गलत क्या पाओ, पता है अलग एक फीलिंग होती है, हर चीज का एक्सपीरियंस करना चाहिए। साथ कर दे तो नहीं, मेरी तो फैमिली भी होगी, कर सकते हो। नहीं नहीं, मैं तो मासूम सा बच्चा हूं, अकेले पड़ जाओगे। मैं बचपन में ऑलरेडी तीन बार खोया हुआ हूं, तीनों बार आ गया घर वापस, समझ रहे हो? खोता ही नहीं हूं तो फिर कौन ही तुम्हें उठाने वाला है। मुझे कभी कभी लगता है भगवान भगवान का बच्चा हूं, मतलब भगवान कभी कभी लगता है अपन भगवान है। तो गाइस मॉल से हम निकल चुके हैं और भी बहुत सारे काम है, तो लोकल मार्केट में भी जाना रहेगा हमको। यार जाते जाते ना इतने सारे काम आते रहते हैं ना कोई कॉल करके अपना काम भी बता देते हैं कि अगर वहां जा रहे हो तो हमारा भी कुछ काम कर देना, और अपने तो है ही, और कल जाना है और अभी तक हमारी तैयारी भी पूरी नहीं हुई है, तो सच में थक भी गए तो वो थक जाते हैं। और रोज आते हैं, रोज आते हैं हम तो के सामान ले रहे हैं, तो फाइनली अब नहीं हमें आना पड़ेगा, सब कुछ हम ले चुके हैं। तो बस आज के लिए गाइस इतना ही, तो मिलते हैं नए ब्लॉग में। और कल तो आपको पता ही है सिंगापुर के लिए निकलने वाले हम लोग, तो बहुत खुश है। तो कल का ब्लॉग तो सच में बहुत अच्छा होगा, तो ज़रूर देखना आप लोग। और हमारे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस प्लीज़ कर दो यार, रोज आपके लिए नए नए कंटेंट हम लेकर आते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय कर दो, बाय।